मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम, एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में बना रहा। व्यापम के नाम से प्रदेश की बदनामी होने के बाद सरकार ने इसका नाम तो बदल दिया, लेकिन व्यापम के पीछे की कहानी आज भी चर्चाओं में बनी हुई है। नाम व्यापम, पूरा नाम व्यावसायिक परीक्षा मंडल। स्थापना 1970 में भोपाल में हुई, जब इसका नाम प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड रखा गया। नाम परिवर्तन, 11 साल बाद 1981 में इसका नाम बदलकर प्री इंजीनियरिंग बोर्ड कर दिया गया। एक बार फिर बदला नाम, 1982 में ही इसे नया नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल नाम दिया गया। जी हाँ, व्यापम का परिचय कुछ ऐसा ही है जो आज प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चर्चाओं में बना हुआ है। आखिर इस दागदार नाम से निजात पाने के लिए सीएम शिवराज ने तरीका निकाला है। दरअसल भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार ने जहां पूरे भोपाल को हिंदीमय बना दिया है, तो वहीं व्यापम के नए नामकरण के साथ ही कार्यालय का माहौल भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। व्यापम अब बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया है। व्यापम के मुख्य कार्यालय पर अब पुराने बोर्ड को बदल दिया गया है। अब बोर्ड पर हिंदी के शब्द भी अंग्रेजी में दिखाई देते हैं और अंग्रेजी में लिखा गया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। व्यापम को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश की छवि खराब हुई थी, उसे लेकर अब सरकार ने यह नया कदम उठाया है। बहरहाल व्यापम का नाम जरूर बदल गया है, लेकिन हिंदी सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का व्यापम के प्रति नजरिया बदलता है या नहीं, यह कहना जरा मुश्किल लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज़।